हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में लाइव मार्केट में आपको बताने जा रहे हैं कि आप निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और यहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि कैसे आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे लाइव मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें तो ये आपका है 8 सितंबर का चार्ट है, यानी वीकली एक्सपायरी दिन का चार्ट है। तो देख सकते हैं अभी मार्केट ओपन हुए लगभग आपका 10 मिनट हो चुका है, टाइम हो रहा है 9:25 के करीब। अब मार्केट यहाँ पे देखिए आपका गैप अप ओपन हुआ है, यानी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। और अगर हम पहले 2-3 कैंडल को देख ले तो यहाँ पे जो हमें मोमेंटम दिख रहा है थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करें, जिसका हम कंफर्मेशन ऑप्शन चेन के बेसिस पे ही लेंगे, लेकिन हम टेक्निकल चार्ट पे भी यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऊपर में जो सबसे बड़ा हर्डल के रूप में काम कर रहा है निफ्टी के लिए, वो है आपका 17,800 का लेवल। तो यहाँ पर ये जो लेवल है आपका 17,800, ये लेवल आपका क्या काम करेगा, ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना आसान नहीं रहेगा। अगर जिस तरह का पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, अगर यही कंटिन्यू रहा तो ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन चांसेस हमें कम दिख रहे हैं। वहीं नीचे में अगर हम बात करें तो 17,700 के काफ़ी ऊपर है। तो नीचे में ये जो लेवल है आपका 17,700 का, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो 8 सितंबर 2022 को जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ है वो है आपका 17,700 का लेवल, और जो रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हुआ है वो है आपका 17,800 का लेवल। तो सबसे पहले आपको चार्ट पे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लेना है। अब हमें जो भी डिसीजंस लेना है, हमें इसी सपोर्ट लेवल के पास या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास लेना है, इसके बीच में हम कोई ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेंगे, इसके बीच में हम ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर आप इसके बीच में ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम सपोर्ट लेवल के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आता, सपोर्ट लेवल के पास आता है और यहाँ से वापस जाने लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस आपका नीचे आता और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल के पास भी हम ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। अगर प्राइस आपका ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आने लग गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और अगर ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया, तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लियर देख लिया कि जो भी कुछ हमें करना है, आइदर सपोर्ट लेवल के पास करना है या नहीं तो रेजिस्टेंस लेवल के पास करना, इसके बीच में कोई ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे इंतजार करना होगा, क्योंकि प्राइस इसी के बीच में मूव कर रहा है, आइदर ये नीचे आए या फिर ऊपर जाए। तो इन द मेन टाइम हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो डिसीजंस लेना आज ऑप्शन चेन के बेसिस पे लेना है। तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे ये जो सपोर्ट लेवल है कितना स्ट्रांग है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कितना स्ट्रांग है, वो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे आ गए और टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है आपका लगभग 10 AM के करीब। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखें तो अभी आपका 17,765 के करीब प्राइस आपका ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 17,800 के लेवल पे देखना चाहेंगे। अगर आप 17,800 के लेवल पे देखो तो इधर आपका 1.04 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, कॉल वाइटर्स हमें इस लेवल पे दिख रहे हैं। यानी ये जो लेवल है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसके ब्रेक होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस लेवल हमने टेक्निकल चार्ट पे ड्रॉ किया था, ऑप्शन चेन भी हमें वही हिंट दे रहा, ऑप्शन चेन हमें कन्फर्म कर रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर हम चेंज इन ओपनिंग प्राइस की बात करें तो लगभग आपके 40 लाख के करीब यहाँ पे कॉल वाइटर्स का एडिशन आज ही हुआ है, जिनको भरोसा है कि प्राइस आपका 17,800 के नीचे ही रहने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर हम 17,700 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी लगभग आपको 1 करोड़, यानी 99 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके पुट राइटर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 83.5 लाख के करीब
पुट राइटर्स का एडिशन आज ही हुआ, मतलब यहाँ पे 80 लाख से ज्यादा पुट राइटर्स को भरोसा है कि प्राइस आपका 17,700 से ऊपर ही ट्रेड करेगा। तो नीचे में 17,700 आपका स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्लियर एक चीज लग रहा है कि प्राइस 17,700 के नीचे भी नहीं जाने वाला और 17,800 के ऊपर भी नहीं जाने वाला, यानी इसी के बीच में ट्रेड करने के चांसेस हमें यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर बाई चांस प्राइस इसके करीब आता है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, छोटा सा 25 से 30 पॉइंट का यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। वहीं अगर आपका प्राइस 17,700 करीब आता है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे भी हम लगभग 40 से 50 पॉइंट का SL रख लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे। जो हमने ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया था उसका कन्फर्मेशन हमें ऑप्शन चेन से मिल रहा है। तो जो टेक्निकल चार्ट बता रहा अगर वही ऑप्शन चेन बता रहा तो ये जो ट्रेड आपको लेना है ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड आप ले सकते हैं और ये काफ़ी सेफ ट्रेड माना जाता है। तो चलिए वापस से हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे प्राइस में क्या कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम वापस से चार्ट पे आ गए और टाइम हो रहा लगभग आपका 10:30 के करीब, यानी मार्केट ओपन हुए फर्स्ट 1 आवर से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका 17,700 और 800 के बीच में ही ट्रेड कर रहा। अब यहाँ पे हम क्या इंतजार कर रहे थे कि अगर ये आपका 17,800 के करीब आता, यानी 17,790 के करीब भी आता, तो यहाँ पे हम क्या करते 17,825 का SL रख के यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन उसके करीब भी नहीं आया, ये आपका एडीज में ही रुक गया, वहीं से वापस लौट गया। यानी यहाँ पे हम सेल करने को तैयार तो थे लेकिन हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे अब मार्केट के पीछे नहीं भागेंगे, हम ज़्यादा नीचे सेल नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा नीचे सेल करेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा पीछे नहीं भागेंगे। मार्केट नीचे जाना नीचे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लेवल्स का वेट करेंगे। अगर मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, टच करेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जब आप मार्केट के पीछे नहीं भागोगे तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को ट्रैप से भी बचा सकते हो। ट्रैप तभी होते हैं जब आप मार्केट के पीछे भागते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ लेवल्स तैयार है, हम नीचे में भी बाई करने को तैयार है छोटा सा SL लगा के, और ऊपर में भी हम सेल करने को तैयार है छोटा सा SL लगा के, बस हमें लेवल्स का इंतजार करना है। अगर इसके करीब आता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे बाई साइड की तरफ पोजिशन इनिशिएट करेंगे। 17,650 का यहाँ पे हम SL रख सकते हैं, या फिर आप यहां पे 670 का भी SL रख सकते हैं। और ऊपर में अगर आप आता है तो 17,825 का SL रख के हम इसके करीब सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि इसके बाद थोड़ा सा वापस प्राइस नीचे जाना चाहिए और यहां पे आने के बाद प्राइस में हमें रिवर्सल, यानी यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह का जो ट्रेड सेटअप तैयार किए इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस आपका अभी इन्हीं दोनों प्राइस के बीच में मूव कर रहा है। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और हम वापस आते हैं जब आइदर ये 17,700 करीब दिखे या फिर 17,800 के लेवल पे प्राइस दिखेगा, तो उस टाइम पे हम आपसे वापस मिलते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आए और टाइम हो रहा लगभग आपका 12:15 के करीब, यानी मार्केट ओपन हुए लगभग आपका 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन प्राइस आपका इसी रेंज के बीच में मूव कर रहा है, यानी सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज के बीच में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे आ गए और टाइम हो रहा है 12:20 करीब, और प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 17,750 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, यानी 17,700 और 800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 17,800 के लेवल पे बात करें तो लगभग आपका 1.5 करोड़ के करीब हमें क्या दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग यहाँ पे भी लगभग आपका 80 लाख के करीब आज ही कॉल राइटर्स का एडिशन हुआ, मतलब इन यहाँ 17,800 के ऊपर अब जा पाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं यहाँ पे अगर हम 17,700 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आपका 1.1 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख के करीब यहाँ पे भी हमें पुट राइटर्स दिख रहे हैं, और इसमें से लगभग आपके 95 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, पुट राइटर्स का एडिशन आज ही हुआ है, मतलब 17,700 के नीचे जाने के भी चांसेस कम दिख रहे हैं। यानी ये आपका स्ट्रांग सपोर्ट और ये आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना लेवल्स लेके बैठे रहेंगे, अगर प्राइस के करीब आया तो यहाँ पे
हम बाई साइड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जल्दबाजी हमें मार्केट में नहीं करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है। और आज स्पेशली एक्सपायरी है तो हम और भी स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में कभी ना कभी मोमेंटम तो आएगा ही आएगा, तो उस टाइम पे चांसेस है कि दोनों में से कोई एक लेवल तो टच होगा ही होगा। अब जो भी लेवल टच होगा वहाँ पे हम बाय या फिर सेल साइड की तरफ पोजीशंस अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आ गए और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग आपका 1 PM के करीब हो रहा है, और देख सकते हैं जो प्राइस है हमारे लेवल 17,700 के लेवल को टच कर दिया, यानी यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, बस थोड़ा सा रिवर्सल का इंतजार करेंगे। और देख सकते हैं ये कैंडल आपका लॉन्ग टेल एट द बॉटम बना रहा है, यानी डैट मीन्स टू यहाँ पे आते ही बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो हम यहीं पर एंट्री ले लेंगे अपना, यानी 17,705 से 17,710 के करीब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एंट्री ले लेंगे बाई साइड की तरफ, जिसके लिए हम पहले से तैयार थे। और यहाँ पे अगर हम SL की बात करें तो SL जो मेरा होगा वो 17,650 करीब यहाँ पे हम SL रखेंगे। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो 17,800 यहाँ पे हमारा अल्टीमेट टारगेट प्राइस होगा, उससे पहले 17,750 करीब अगर बायर्स में स्ट्रेंथ की कमी दिखता है तो यहाँ पे हम भी एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फाइनली 17,800 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो टारगेट बन रहा है वो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट बन रहा है, और SL जो बन रहा है अगर हम 50 के लेवल से ही बात करते हैं तो लगभग आपका, और अगर हम 10 पे ही बाई करते हैं तो 60 पॉइंट का यहाँ पे हमारा SL बन रहा है और 100 पॉइंट का टारगेट प्राइस, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हद तक हमारे फेवर में और हम ये ट्रेड ले सकते हैं। और ऑलरेडी आपका टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गया, तो यहाँ पे हमारा हीरो और जीरो कॉल का भी लेवल भी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना हीरो और जीरो कॉल भी यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों बाई कर सकते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम आना ही है। आइदर यहाँ से प्राइस आइदर 100 पॉइंट या 150 या 200 पॉइंट नीचे जाएगा, या नहीं तो यहाँ से एटलीस्ट 100 पॉइंट ऊपर डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा, इसके चांसेस हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। इसलिए अगर आप एट द मनी कॉल पुट दोनों को बाई करेंगे तो चांसेस है कि एक साइड का प्रीमियम आपका जीरो होगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे हीरो और जीरो ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अपना ट्रेड ले लिया है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, आइदर ये हमारे SL को हिट करेगा या फिर हमारे टारगेट को हिट करेगा, तब हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप इसके प्राइस सेक्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे वापस से आ गए और टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा लगभग आपका 3 PM के करीब, यानी मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया, लेकिन इन द मीन टाइम जो हमारा टारगेट प्राइस था 17,800 उसको इसने आसानी से हिट कर दिया है। यानी यहाँ पे आसानी से हमें लगभग 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो, और अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 17,700 के कॉल ऑप्शंस को भी बाई किए होते तो यहाँ पे भी लगभग आपको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता। और वहीं अगर आप यहाँ पे हीरो और जीरो कॉल इनिशिएट किए होते तो यहाँ पे भी आपका कॉल साइड का प्रीमियम लगभग आपका 3 गुना हो जाता और पुट साइड का जो प्रीमियम था वो यहाँ पे आपका 0 हो जाता। तो इस तरीके से आप हीरो और जीरो कॉल एग्जीक्यूट करके भी प्रॉफिट बनाया जा सकता था, और देखिए प्राइस आपका इसी करीब आपका मूव कर रहा है। अब हमने एक और चीज़ डिसाइड किया था कि 17,800 करीब आने के बाद हम यहाँ पे भी सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, लेकिन आप टाइम देख लीजिए मार्केट क्लोजिंग में सिर्फ आपका 25 मिनट के करीब रह जाता है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और वैसे भी एक्सपायरी है, और यहाँ पे 17,800 के ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स मौजूद थे जिसको ओवरकम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, और गया भी तो अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और इस टाइम पर हम यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल लेंगे, मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम जो भी प्रॉफिट हुआ 90 पॉइंट का या फिर ऑप्शंस में बात करें तो 50 पॉइंट का या फिर हीरो जीरो कॉल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला ही होगा, तो वो जो भी प्रॉफिट मिला है वो लेके हम मार्केट से निकल जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि इस बेसिस पे जो हमने ट्रेड सेटअप तैयार किया आपको पसंद आया होगा, और ऐसा सिचुएशन अगर आगे कभी भी जनरेट हो एक्सपायरी डे के दिन तो आप इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।